गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैप्पी टीचर्स डे. प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस. वी हैव डन मैनी डिसऑर्डर्स लाइक हीमोफीलिया एंड डाउन सिंड्रोम, मैनी अदर टर्नर सिंड्रोम लाइक दिस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, कलर ब्लाइंडनेस. इट इज़ जस्ट लाइक द हीमोफीलिया. द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एंड द हीमोफीलिया इज एग्जैक्टली सेम, बट द फीचर्स एंड द सिम्टम्स आर डिफरेंट. कलर ब्लाइंडनेस नेम इंडिकेट्स दैट द पर्सन विच इज ब्लाइंड फॉर कलर्स. दैट मीन्स जो पर्सन है वो कलर को अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, उसे ये पता ही नहीं लगता कि ये कौन सा कलर है और ये कौन सा कलर है. जनरली क्या है, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन जो कॉमन टाइप की होती है वो रेड और ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस होती है. उसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये रेड कलर है या ग्रीन कलर है. तो इस टाइप की जो कलर ब्लाइंडनेस टाइप की जो डिसीज़ है, इट वाज रिपोर्टेड फर्स्टली बाय ऑर्नर इन 1876. एंड आफ्टर द बायोलॉजिकल स्टडी इट इज़ फाउंड दैट इट इज़ अ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसीज़. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसीज़? सेक्स लिंक्ड डिसीज़ दैट मीन्स द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोजोम एंड बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम. एंड सो आई हैव टोल्ड दैट इज इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू हीमोफीलिया, बिकॉज हीमोफीलिया इज ऑल्सो सेक्स एक्स लिंक्ड टाइप रिसेसिव डिसीज. इन दिस कलर ब्लाइंडनेस वॉट हैपन्स एक्चुअली द आई फेल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर. इन रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हमेशा ऐसा नहीं होगा, सबका अलग अलग कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, लेकिन मैं जो पढ़ा रही हूँ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बता रही हूँ, और इसके ये ज़्यादा कॉमन होती है. द जीन फॉर द नॉर्मल विजन इज डोमिनेंट. अब जैसे जो कलर नॉर्मल विजन है वो डोमिनेंट होता है, इसीलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और जो कलर के लिए है वो थोड़ा सा रिसेसिव होता है. जो नॉर्मल जीन है और जो इसका रिसेसिव अलील है, दे आर कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम. मैंने अभी बताया ना कि इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होगा, और जब भी कोई सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ कोई जीन होता है तो उसकी इनहेरिटेंस हमेशा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब अगर एक जनरेशन की फीमेल इफेक्टेड है तो दूसरे जनरेशन की जो है वो फीमेल अपनी फीमेल को नहीं देगी वो डिसीज़, वो अपनी मेल को डिसीज़ देगी, और मेल अपनी नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल को डिसीज़ देगा. तो जो ट्रांसफ़र है डिसीज़ का वो मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल चलता है, जनरेशन टू जनरेशन. तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं, और ऐसा ही हम लोगों ने किस में देखा था, हीमोफीलिया में देखा था. अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की कि एक्चुअली में कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है. एक्चुअली रेटिना हैज़ कोन सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, जिससे हम लोग क्या देखते हैं, कलर देखते हैं. हमारी आँखों में बहुत सारी कोन सेल्स होती हैं, और बेसिकली दीज कोन सेल्स आर थ्री टाइप, रेड कोन सेल्स, ग्रीन कोन सेल्स एंड ब्लू कोन सेल्स, और ये प्राइमरी कलर हैं, और इन्हीं के मिक्सिंग से हम लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स देखते हैं. अब एक्चुअली में इस डिसीज़ में क्या होता है, अगर कोई सी भी कोन किसी वजह से आँख में नहीं बन पाती, नहीं होती, तो वो जो पर्सन है वो उस कलर के लिए ब्लाइंड हो जाता है. और ये सेक्स लिंक कैरेक्टर है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी कोन सेल जो होती है वो एब्सेंट हो जाती है, और जो भी कलर की कोन एब्सेंट होती है उससे रिलेटेड और वो उसी कलर की ब्लाइंडनेस उस पर्सन में आ जाती है.
इसके बाद हम लोग करने वाले हैं थोड़े से इसकी इनहेरिटेंस के बारे में। जैसे कि हम कलर ब्लाइंडनेस जो होती है ये तीन तरह की होती है। जैसे पहली होती है प्रोटेनोपिया, जिसमें रेड कोन एब्सेंट होते हैं और जो पर्सन है वो रेड कलर के लिए ब्लाइंड होता है। ट्राइटेनोपिया में ब्लू कलर के कोन एब्सेंट होते हैं। और जो ड्यूटेरनो मैली जो है इसमें ग्रीन कलर के कॉन्स एब्सेंट होते हैं। तो इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज है। मेन जो हमें समझना है दैट इज़ द इनहेरिटेंस। मैंने अभी आपको बताया इनहेरिटेंस इज जस्ट लाइक अ हीमोफीलिया। जैसे हीमोफीलिया में क्रिस क्रॉस टाइप की है और हम लोग जैसे बता रहे हैं कि एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, तो जो मेल है मेल एक क्रोमोसोम की वजह से भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। जबकि फीमेल तभी इन्फेक्टेड होगी जब बोथ एक्स क्रोमोसोम हैविंग कलर ब्लाइंडनेस जीन, लेकिन अगर एक होगा तो वो कैरियर होगी। तो चलो एक क्रॉस को समझ के देखते हैं। एक एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे हमने एक वुमन ले ली और जिसका जो कैरियर है यानी कि उसके एक्स जो दो एक्स क्रोमोसोम है उनमें से एक कलर ब्लाइंड है और दूसरा जो हम नॉर्मल पर्सन ले रहे हैं नॉर्मल मैन है, तो क्या प्रोजेनी इसकी होने वाली है। जो वुमन है ये दो तरह के ओवा बनाएगी, एक जिसमें कलर ब्लाइंड जीन नहीं है और दूसरा जिसमें डिफेक्ट आ गया है, और नॉर्मल जिसमें नॉर्मल है एक्स और वाई। तो जब हम इसका पनेट स्कैर देखते हैं तो हम देखते हैं इसका एक जो गर्ल है वो नॉर्मल है, एक जो सन है वो भी नॉर्मल है, लेकिन जो इनकी एक गर्ल है तो गर्ल बेबी जो होगा वो कैरियर होगी और जो बॉय है इनका जो सन है वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसा कि हीमोफीलिया में है। दोनों ही सगी बहनें हैं, अच्छे से इनको समझ लेना और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो थे हमारे जीन रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स थे। अब हम जो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे वो होंगे ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। पहली बात तो मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब होता है विच फॉलो द जेनेटिक रूल ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस के रूल्स को फॉलो करते हुए जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते हैं, उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये दो तरह के थे, सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। सेक्स लिंक्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम अब जो हम नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑटोसोमल। इसका मतलब क्या है कि जो 22 पेयर्स हैं उनमें से किसी भी जीन में क्या हुआ, कोई डिफेक्ट आया और वो जो डिफेक्ट है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर की तरह से यानी कि आगे जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।